अच्छे होगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी हूँ या। और अब मैं रोज डेली वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है मैंने, सो आई होप आप लोग भी ऐसे पसंद करोगे मुझे पहले की तरह। ओके गाइज, ये वाला मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है, बहुत सुंदर सा। मैंने दुर्गा पूजा सीरीज स्टार्ट की थी तो ये मेरा सेकेंड लुक है। बाय द वे मुझे तो यही नहीं पता चल रहा था कि लुक मतलब दुर्गा पूजा है कब, पर मैंने सर्च किया गूगल में तो अक्टूबर में 1 से 5 तक बताया, तो मैंने सोचा अभी भी टाइम है मेरे पास, मैं जल्दी से कर दूं। फर्स्ट लुक ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगेन मैंने ब्लैक कलर का ही ड्रेस में पहना है। आप लोग बोलो कितना ब्लैक है भाई इसके पास, या बिकॉज ब्लैक तो किंग है, ब्लैक अपना कलर नहीं बदलता। या इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के मैं भी क्वीन बनती जा रही हूँ। ओके, ये जो मेरे चांद से मुखड़े में इतना सुंदर मैंने लुक क्रिएट किया है ना, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इस लुक को आप शादी पार्टी फंक्शन जितने भी फेस्टिवल्स हैं आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। आपके घर में खुद की आपके घर में शादी है या कुछ भी है, मतलब आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजी है। जितना डिफिकल्ट दिख रहा है ना उतना है नहीं गाइस, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको सारा तरीका इसका समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। आज ना मैंने इसमें आई में ज्यादा फोकस किया है और बोल्ड लिप्स रखे हैं, सो बहुत सुंदर लुक एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय कंटेंट सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, एनी बिना स्किप करें, लेट गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो हम आ गए हैं वॉइस ओवर में। सबसे पहले स्किन केयर करूंगी, सो स्किन केयर में मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर। ये रोजवुड वाला टोनर था, ये ना बिल्कुल रोज वाटर की तरह इसमें फीलिंग आती है, बहुत माइल्ड वाली फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी है। ओके, ये लगा रही हूँ न्यूट्रीडम की बहुत ही मॉइस्चराइजिंग वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फेस क्रीम बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज भी कर देती है। सो मेरे को ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। गुड वाइब्स का यहाँ पे मैं सीरम लगा रही हूँ, ये वाइटामिन सी वाला सीरम था। वाइटामिन सी ज़रूर अपने डेली स्किन केयर में आप इंक्लूड किया करो, है ना। तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने मंगाया था, रिसेंटली मैंने पर्पल हॉल शेयर किया था ना तब मंगाया था, तो अब मैं इसको फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है, तो मैं धीरे धीरे यूज़ करूँगी, आपको बताऊँगी। एंड वाई बेका कलर वाला प्राइमर, ये ऐसे में एक के ब्यूटी का भी आता है, काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसको नहीं ले पाई तो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं बोली ऑल टाइम फेवरेट पर्पल का एंड मेबलिन को, दोनों को मिक्स करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। पूरे फेस पे मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। एंड फिर रॉन्जिल की ये फिक्स सेटिंग स्प्रे है, बहुत अच्छी वाली सेटिंग स्प्रे है, मतलब ठीक है, अफोर्डेबल है। बिगनर हो, यूट्यूब स्टार्ट किया है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हो, अच्छे भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं। अब यू कैन सी कितना इजीली ब्लेंड हो रहा था, मुझे ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये फाउंडेशन, ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब मैंने NYBA का ये कॉन्टोर पैलेट लिया, अच्छा ये हैक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉन्टोर पैलेट से भी आप अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो। अगर आपके पास डार्क कलर का कॉन्टोर है और आपकी आईब्रोज मेरे तरह है तो आप फिल कर सकते हो, अगर आपकी आईब्रोज ब्लैक हुई तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, अच्छे से फिर मैं एक फ्लैट ब्रश लेकर उसको क्लीन कर रही हूँ। क्लीन कर लिया करो तो थोड़ा सा ना क्लीन सा लगता है, मतलब प्रोफेशनल टाइप करने की मैं कोशिश करती हूँ, मेरे से जैसे हो पाता है मैं करती हूँ, सब यूट्यूब से ही सीखी हूँ और क्या। अभी मैंने सेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे क्लीन करना था। अब देखो आप मेरी आईब्रोज कितनी सही लग रही है, कितनी सही लग रही है, मतलब यार। फिर मैं लैक्मे के कॉम्पैक्ट से अपना पूरा फेस सेट कर रही हूँ। ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट है भले 100 रुपीज़ का, पर बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छा है कॉम्पैक्ट। अच्छे से मैं लगा रही हूँ अपने नेक वगैरह में भी, ईयर्स में भी। और मेकअप रेवोल्यूशन की मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इससे मैंने एक क्रीम कलर का शेड लिया, एक ट्रांजिशन शेड होता है ना वो लिया है, और उसको मैं अपनी पूरी लिड में, मैं अच्छे लिड में क्या मतलब पूरे आईज़ में अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ठीक है। फिर एक पॉइंटेड ब्रश लेके ऑरेंज शेड लिया है, आज मैंने सोचा कुछ ऑरेंज में करती हूँ, ऑरेंज शेड लिया और उसको मैं जस्ट, मेरा वही वाला प्रोसेस है जो मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी प्रोसेस है, कलर बहुत सुंदर था। आईज़ के लिड में कॉर्नर्स में मैं लगाऊंगी एंड दोनों को मैं ब्लेंड करूंगी अच्छे से, ज़्यादा ऊपर मत लेके जाना, बस धीरे धीरे करके इसको ब्लेंड कर देना, ठीक है, ज़्यादा फैलाना नहीं अपने को, है ना।
अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद फिर हाँ, वापस से मैं इसके ऊपर वही ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत इजी स्टेप है गाइस। स्विस ब्यूटी की मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास, काफ़ी पिगमेंटेशन देता है। इसमें मैंने गोल्डन शेड लिया, कॉपर गोल्डन कलर का लिया, और उसको मैंने अच्छे से अपनी आई के लिड में लगाया है ना, जहाँ पे गैप खाली था। ठीक है, अब यू कैन सी गोल्ड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कितना सही लग रहा है। मनीष मल्होत्रा का ये मैंने लिया है काजल, ये ग्रीन काजल है, बहुत अच्छा काजल है इनका, बहुत पिगमेंटेशन देता है। इसमें ना स्पार्कल्स हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। अब यहाँ पे मैं मस्कारा, नहीं सॉरी, ये है आईलाइनर है मेरा, ये इनसाइड कॉस्मेटिक का, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, पर मामा अर्थ ने जो लॉन्च किया है मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं एड धन मामा अर्थ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लेंस वाटर डाल ली थी अपनी नायका के मस्कारा में, मेरे को थोड़ा सा गीला गीला चाहिए था, वरना पूरा लिड में लग जाता है सो ख़राब लगता है। तो अच्छे से डाल करके फिर अच्छे से मैंने लगाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था ना वो अंदर रह गया था, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर नहीं आया। यहाँ पे मैंने अपना आई लैशेस लगा ली। अब हम कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर क्यों करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्टोर करने से ना हमारा फेस जो है पतला लगता है, चिजल लगता है, फेस को डायमेंशन मिल जाती है, एंड फुला फुला सा नहीं लगता, लाइक चबी चबी सा फेस नहीं लगता है ना। और अपनी नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी, मुझे नोज़ कॉन्टोर करना अच्छा लगता है, मतलब पसंद है मुझे। ठीक है, अच्छे से हम अपनी नोज़ को भी कॉन्टोर करेंगे, और उसको ब्लेंड ज़रूर कर लेना, एक हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए है ना। उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ, अगर नहीं हो तो अपन भी फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। रेने कॉस्मेटिक का ये 2-in-1 ब्लश पैलेट है। इसमें मैंने डार्क कलर का ब्लश लिया, एंड कोरल टाइप का था, पर्पल टाइप का, ऐसा पर्पल कलर का मैंने लगाया भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो लगाते हैं, लगाया। एंड वेट एंड वाइल्ड का मेरा फेवरेट वाला ये हाइलाइटर है, इसका शेड बहुत पसंद है मुझे, पेटल्स करके इसका शेड था, काफ़ी अच्छा शेड लगता है। इसको पूरे अपने नोज़ एरिया में, क्यूपिड बो में, मतलब मेन पॉइंट्स में, चीक बोन्स में, आइस के कॉर्नर में, फोरहेड में, जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट्स है लगा लूँगी, और सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे मनीष मल्होत्रा वाली नहीं, माय ग्लैम की यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। इतना डार्क एंड क्रीमी लिपस्टिक है ये, बहुत सुंदर है, मतलब शेड देखो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने अपना गाउन चेंज कर लिया है, और अब मैं अपना खोल रही हूँ, बट एट देन बाल इतने अच्छे से नहीं हुए थे, क्योंकि ज़्यादा गीले कर लिए थे, और इसमें हेडेक भी बहुत होता है, मेरा तो सर दुख गया था, मतलब बिल्कुल बहुत हेडेक होता है। 4 की स्पीड में चला दी है मैंने वीडियो, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। अच्छा, आंसू, मेरी आंसू इतने गिर रहे थे, क्योंकि आई लुक थोड़ा हैवी था, तो भाई इतने आंसू गिर रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ओके, सो यहाँ पे बस ओपन हो गए बाल, बाल मैंने अच्छे से अपने सेट कर लिए थे। उसके बाद गोल्डन कलर के जस्ट मैं इयर रिंग डाल रही थी। वैसे तो मैंने ब्लैक नेकलेस निकाल के रखा था, बट मैंने सोचा कि बस ज़्यादा नहीं करती हूँ, हैवी हो जाएगा, नेक्स्ट लुक हैवी करूँगी। क्रीम वगैरह डाल ली हूँ, वॉच पहनूंगी, अपने बैंगल्स पहनूंगी। अच्छा गाइज, लुक कॉमेंट करो, और प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, प्लीज़ गाइज, बहुत मेहनत लगती है सच में। प्लीज़ गाइज शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाइक भी कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़, पहले की तरह प्यार देना प्लीज़ प्लीज़। ओके, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।